नमस्कार, मैं कविता राजपूत दिल्ली से अपनी कला का प्रदर्शन के लिए इंडियन आर्ट फेयर मुंबई में आई हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इंडियन आर्ट फेयर मुंबई में जो लगा है वर्ली नेहरू सेंटर में, आप प्लीज़ उसे विजिट करें। मैंने अपनी कला के द्वारा दिखाना चाहा है कि जो प्रकृति जिससे हम दूर होते जा रहे हैं उसे हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे महसूस करने के लिए, अपने रूम्स तक लाने के लिए मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और उसमें सभी सारे जो सीन हैं उनमें लैंडस्केप्स में मैंने पॉजिटिविटी आए ऐसा ही लैंडस्केप चूज़ किया है, जैसे सनराइजेस, लंबे रास्ते जो ऊंचाइयों भरे हैं जिनमें बहुत हर्डल्स हैं जिन्हें पार करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बहुत पत्थर जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें कितना भी हम सख्त हों लेकिन हमें जो क्लाइमेट है, जो प्रकृति है, वो हमें बदलती रहती है, तो उसी तरह हमें भी अपने आप को सराउंडिंग्स के लिए बदल लेना चाहिए और प्रकृति हमें बहुत सारी शिक्षा देती है जिसे हमें महसूस करना चाहिए। जैसे एक पेड़ है उसके जीवन में पतझड़ भी है और हरियाली भी है, वैसे ही हर जीवन में, हर इंसान के जीवन में भी सुख है दुख है, तो प्रकृति को जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है, इसलिए मैं अपने काम में हमेशा प्रकृति का चित्रण ही करना चाहती हूँ। और मेरे साथ मेरे 3-4 दोस्त और भी हैं जिन्होंने अपनी कला हमारे स्टॉल पे लगाया है, बूथ नंबर 98 से मैं हूँ और बूथ नंबर 98 पे हमारी एक आर्टिस्ट है राखी कुमार जिन्होंने काशी के जो घाट हैं उनको बनाया है और अलग अलग रंगों में, अलग अलग वर्जन्स में उन्होंने दिखाना चाहा है, बहुत ही खूबसूरत है। एक हमारे दोस्त हैं जितेंद्र कुमार, उन्होंने वाटर कलर के द्वारा प्रकृति का चित्रण किया है। एक हमारी दोस्त हैं शिल्पी सिंह पटेल जिन्होंने स्पैटुला से ही काम किया है, किसी ब्रश का यूज़ भी नहीं किया पेंटिंग्स में आके। आप ज़रूर आएँ और देखें कि किस तरह से एक नए माध्यम, नया टेक्निक, नया टेक्सचर, नई फील आपको मिलेगी पेंटिंग्स को देखने से। तो इस तरह के आयोजन से कितना आपको सपोर्ट मिलता है, कितना अच्छा रहता है इस तरह का आयोजन? बहुत अच्छा आयोजन करते हैं श्रीमान राजेंद्र जी जिन्होंने ये पूरा इंडियन आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है और मैं लोगों से सपोर्ट चाहूँगी इसके लिए कि सब लोग आएँ, इसे विज़िट करें, देखें कि कितने नए तरीके काम यहाँ पे आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आप एग्जीबिशन हॉल्स में जाते हैं तो आपको जनरली 1-2-4 आर्टिस्ट का काम देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक साथ 250-500 आर्टिस्ट यहाँ पर एग्जिबिट किए हैं और शायद 150 गैलरीज़ हैं जिनमें काफ़ी तरह का काम यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है। तो मैं सब मुंबई वालों से कहूँगी कि प्लीज़ विज़िट करें शो को। न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकॉन और पाओ शहर की ताज़ा तरीन खबरें।